नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माय स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे आर्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन डिजाइनर अंजन गजुरेल जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अंजन गजुरेल, मैं एक आर्ट डायरेक्टर हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में और मुझे एज एन प्रोडक्शन डिजाइनर भी पहचाने जाते हैं। मैं जनकपुर के रहने वाला हूँ, ये नेपाल इंडिया बॉर्डर में आता है और मेरा ये जो आर्ट फील्ड है उसमें फैमिली बैकग्राउंड से ऐसा कोई है नहीं जो मैं जिसका रेफरेंस दे सकूं कि मैं इनके थ्रू मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया हूँ। और मुझे बचपन से ही ड्राइंग का शौक़ था और छोटे छोटे जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आते थे हिंदी पेपर में, वो छोटे छोटे फ़ोटो को मैं कॉपी करता था पहले बचपन में। जैसे वो टाइम पे आता था योद्धा, संजय दत्त के बहुत सारे फिल्म आते थे और अजय देवगन के फूल और कांटे, उसके जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है उसको मैं प्लेन पेपर पे उतारता था। तो वहाँ से मेरा जो ड्राइंग का स्किल है वहाँ से मेरा चालू हुआ था ये आर्ट में। और मेरे फैमिली में मेरे डैडी रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में काम करते हैं, एज अ ट्रेनर हैं। और हमारे घर में ऐसा कोई आर्ट से रिलेटेड तो है नहीं और मम्मी वाइफ हाउस वाइफ है। और मैं तीन भाई में मैं सबसे छोटा भाई हूँ। आर्ट में आपका जो इंटरेस्ट हुआ बेसिक वो प्रोफेशन में कैसे बना? एक्चुअली जब बचपन में जब हम लोग ड्राइंग करते थे स्कूल में तो वो तो फिल्म के छोटे छोटे पोस्टर कॉपी करने लगे। बाद में मेरे पिताजी ने बोले कि आर्ट के भी कॉलेज होते हैं तो उसमें स्पेशली आर्ट पे फोकस करके उसको अच्छे से सिखाया जाता है और उसमें से बड़े बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, जैसे पिकासो है, उसके बाद यहाँ पे एम एफ हुसैन है। तो उन्होंने मुझे बताया था, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि आर्ट मतलब ऐसा लगता था कि वो जो दुकान के शॉप के जो नाम लिखते हैं तो जैसे पेंटर बाबू के दुकान ऐसा खोल के बैठते हैं, मेरे माइंड में इतना ही था बचपन में। तभी जब थोड़ा आर्ट कॉलेज में आ गए, जैसे यहाँ पे बॉम्बे में आ गया मैं आर्ट कॉलेज के लिए, मुझे पिताजी ने जब मुझे बोले कि यहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज है जे स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें अच्छे अच्छे टीचर हैं और इंटरनेशनल लेवल के तरीके से पढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में आया पढ़ाई करने के लिए एज अ फाइन आर्टिस्ट पढ़ाई करने। ये है 1998 में मैं यहाँ पे आया था और एडमिशन के लिए। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिलना वैसे मुश्किल माना जाता है, वो कैसे संभव हुआ? सबसे पहले तो अभी मैं तो एक छोटा सा गांव से जनकपुर से आया हूँ, जब मैं ये जे स्कूल ऑफ आर्ट के बाउंड्री में घुसा तभी मुझे फील हुआ कि मैं कहाँ स्वर्ग में आ गया, क्योंकि इतने मैंसन हवेली जैसा स्ट्रक्चर और इतने अच्छे इन्वायरमेंट, और उसके साथ भी फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा था कि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग बाहर कोई लैंडस्केप कर रहे थे, कोई पोर्ट्रेट कर रहे थे, मतलब एक आर्ट का माहौल, एक बहुत खूबसूरत सा आर्ट का माहौल देखने के बाद मैं वो देख के भावुक हो गया था। और जब वहाँ पे मैंने एडमिशन के लिए पूछा, फॉर्म वॉर्म तो भर दिए, उसके बाद मैंने आजू बाजू पूछा कि लोग क्या करते हैं, कैसे एडमिशन का प्रोसेस है, तो दो तीन जन से ऐसा सुनने को मिला कि भाई मैं तो 4 साल से यहाँ पे एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं तो शॉक हो गया, बाप रे मैं तो अभी पहली बार आया हूँ, मुझे कितने साल लग जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं अभी वो टेंशन वाला माइंड डेवलप हो गया था वो टाइम पे, मुझे एडमिशन मिलेगा क्या नहीं।
तो फिर दो तीन जन और भी थे जिसमें से दूसरे ने बोला कि मेरा ये दूसरा साल है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई कर रहा था, अभी कन्फर्म शायद हो जाएगा ये साल। तो मैं तो जीरो था, मुझे तो दुनियादारी कुछ पता ही नहीं है। बॉम्बे ही पहली बार देखा आर्ट का, तो अभी गाँव में हम तो छोटे मोटे आर्ट करते थे। अभी मेरे लिए तो बहुत टफ था और मैं सोचा नहीं था कि मुझे एडमिशन मिलेगा जे स्कूल ऑफ आर्ट में। जो आदमी 4 साल 5 साल से स्ट्रगल कर रहा है एडमिशन के लिए और यहाँ पे कोचिंग क्लासेस करने के बाद भी उन लोग को नहीं मिला, तो मुझे कहाँ से मिलेगा। टचवुड अभी जो भी है एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और पता नहीं टचवुड मेरे जो भी है ऊपर वाली की दया से एडमिशन तो मिल गया और मैंने वहाँ से डिग्री किया फाइन आर्ट्स में। एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेरा सब्जेक्ट था कॉलेज में। और कॉलेज के टाइम में जब मैं स्टार्टिंग में गया वहाँ पे, तो पहले तो अच्छा था मेरा ड्राइंग। जब क्लास के अंदर बैठा तो इतने सारे टैलेंटेड लड़के लोग थे, तो मैं उनके ग्रुप में तो मेरा पोजीशन दिखाई नहीं देता था। मतलब इतने टैलेंटेड लोग थे वहाँ पे, और मैंने वो चीज़ को लगभग 3-4 साल के बाद मैंने टॉप 10 के अंदर खुद को लाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद वहाँ से डिग्री करने के बाद टीचर लोग ने बहुत रेस्पेक्ट किए मेरे काम की, बहुत रेस्पेक्ट किया। ये फर्स्ट डे क्लास से निकाल दिया गया था, कॉलेज का फर्स्ट डे। ये सीन ऐसा था वहाँ पे, मुझे पता नहीं था, मैं तो नया लड़का था। और जब एडमिशन करके फर्स्ट डे मैं अटेंड करने गया तो टीचर जॉन डगलेस सर थे, उन्होंने पूछा कि वेयर इज योर 10 स्केचेस। अभी वहाँ पे क्लास में एंट्री करने से पहले 10 स्केच क्विक स्केच सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आप बैठ सकते हो। तो हमको तो मालूम नहीं था कि ये क्या सिस्टम है यहाँ का, तो मुझे फर्स्ट डे वहाँ से निकाल दिया, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अभी उसके बाद मैं 10 स्केचेस करने गया तो मूड ही खराब हो गया। इतना ड्रिंक लेके आया था और फर्स्ट डे कॉलेज से आउट, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होके फिर VT स्टेशन में जाके स्केच किया दिन भर। उसके बाद वहाँ से घर हॉस्टल चले गए। और नेक्स्ट डे सर ने बोला कि तू किधर गया था, दिन भर स्केच ही करते रह गया। तो सर फिर मूड ही नहीं हुआ, तो फिर मैं दिन भर स्केच किया, उसके बाद हॉस्टल में चले गया। तो मेरा फर्स्ट डे जे स्कूल ऑफ आर्ट का ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर वो टीचर हमेशा मेरे दुश्मन की तरीके से ही देखते थे वो मेरे को, क्योंकि मैंने 10 स्केचेस सबमिट किया क्या नहीं, बाकी किसी का नहीं देखते थे, मेरा ज़रूर देखते थे, मेरा है क्या नहीं, मैं तो इसको फिर से आउट करना है। और मैंने वो दिन से 10 नहीं, मैं तो 25-30 स्केच करता था। उसके बाद बैकअप रहता था, अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ तो मेरे पास हफ्ता दिन का बैकअप रहता था कि मेरे पास इतने स्केच रहता था। और लास्ट में उन्होंने मुझे, मैंने एक 1.5-2 साल बाद मैंने एग्जीबिशन किया। एक बार नेपाल विजिट करने गया था वैकेशन के टाइम में, मैंने लगभग 40 लैंडस्केप किया था। तो वो 40 लैंडस्केप में से बेस्ट मैंने कुछ 12 पेंटिंग लैंडस्केप मैंने एग्जीबिशन किया था कॉलेज में। वो देख के मुझे पहली बार, वो मेरे जो क्लास टीचर जिन्होंने पहली बार निकाला, वो गले लगे। और मेरे को वो उन्होंने गिफ्ट दिया कि मुझे वो पहले मेरा पुराने दिन याद आ गए, इतने खूबसूरत तुमने पेंटिंग नहीं पेंट करके लेके आए, वो भी वाटर कलर में, और मेरा भी वो वाटर कलर मेन फेवरेट मीडियम है। तो उन्होंने मुझे, एज अ पहले दुश्मन थे तो उस दिन से हम लोग दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अभी जे स्कूल ऑफ आर्ट ख़त्म होने के बाद मेरा ड्रीम था कि एक VFX वाला, जो वो टाइम में आया नहीं था इतना मार्केट में, मुझे जो मैंने बचपन में जो टर्मिनेटर देखा था, मुझे वो चीज़ सीखना था। वो चीज़ क्यों सीखना था, क्योंकि मैंने
जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने के बाद मैंने 2-3 एग्जीबिशन किए जिसमें मुझे अपनी आर्ट वर्क की बहुत तारीफ मिले। और बॉम्बे में रहना मतलब सिर्फ तारीफ सुन के और ये मुझे पेट तो भरता नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे एग्जीबिशन जितने भी किए मुझे अच्छे वहाँ से आउटपुट नहीं मिला, सिर्फ अच्छे रिस्पॉन्स मिले। मगर पेंटिंग जो बिकती है मार्केट में, जो सेल होती है, उतना खास मिला नहीं। और जो तरीके से लोग बेचते थे, एक मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं एक पल आपको बता देता हूँ। एक हमारा एग्जीबिशन था, मैंने दो दोस्त सोलो एग्जीबिशन था हमारा, ग्रुप एग्जीबिशन, जिसमें हमने पेंटिंग किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा पेंटिंग बुक किया, लगभग 50% मेरा बुक हो गया था, जिसमें से लेने के लिए 2-3 जन ही आए और बाकी ऐसा ही बुक करके पैकिंग करके रखा, कोई लेने के लिए नहीं आया। और मेरे जो दोस्त के जो पेंटिंग एक भी सेल नहीं हुआ था, मगर उन्होंने वो लास्ट डे जैसे जैसे आधा घंटा बाकी था गैलरी बंद होने के लिए, तो बहुत सारे लोग आ गए। तो जैसे मैं रात को जैसे मीरा रोड जाता था, तो रात के टाइम में 11-12 बजे भाजी अभी ख़त्म करना है, तो वो बोलते थे 5 रुपये में लेके जाओ, 10 रुपये में लेके जाओ। वैसी तरीके से मेरे दोस्त ने उसके खुद के कैनवास वाला पेंटिंग सब ऐसे बेचते हुए देखा, तो वहाँ पे मेरा दिमाग में क्लिक हुआ कि ये फील्ड थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो मुझे यहाँ से थोड़ा क्लिक हुआ कि अगर मुझे एज अ पेंटर आर्टिस्ट अगर आगे बढ़ना है, तो मुझे कुछ ना कुछ एक कमर्शियलाइज कुछ काम करना पड़ेगा। इस ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एनिमेशन VFX सोचा था, और उसके लिए मैंने राम मोहन, वो टाइम पे UTV का राम मोहन था, उसमें एनिमेशन में मैंने कोशिश किया, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया, और उन्होंने बोला कि मुझे फ़ोन करते हैं। मगर वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मैं भाड़े पे घर पे रहता था मीरा रोड, और मेरे बाजू में जो टेलीफोन नंबर दिया था जिन वो एनिमेशन कंपनी में, और वो हमेशा दिन भर गायब ही रहते थे, शाम को या रात को आते थे। अभी पता नहीं उन्होंने फ़ोन किया नहीं किया, पता नहीं चला। और लास्ट में मैं ऐसा ही स्ट्रगल ही करते रहा, स्केचिंग करते रहा। फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री कैसे हुई? फिल्म इंडस्ट्री में एक वो टाइम में मैं मीरा रोड में रहता था, तो मीरा रोड में मुझे एक गेट टुगेदर हुआ वहाँ पे, जो पार्टी के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पे बोले कि भाई तुम फाइन आर्टिस्ट हो, तुम क्या कर रहे हो बॉम्बे में? तो बोला कि मैं तो ऐसा ऐसा स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी कुछ एनिमेशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया हूँ, एग्ज़ाम भी दिया हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार तुम तो फाइन आर्टिस्ट है, तुम तो आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मुझे बोला अरे ये एक आर्ट डायरेक्शन क्या है? तो अरे वो फिल्म में जो सेट वेट लगाते हैं उसमें पीछे बैकग्राउंड रहता है, वो सब बनाना रहता है। तो ऐसा साउंड्स गुड, ऐसा फील हुआ कि अरे क्या कुछ तो है, मतलब आर्ट के कुछ जो मैंने पढ़ाई किया उसका कुछ शायद यूज हो पाएगा वहाँ पे। तो ये सोच के मैंने बोला चलो ठीक है, चले जाते हैं मिलने के लिए, क्या है। तो आपने जो पहले कभी फिल्म देखी थी, इस तरह की बात सोची थी? नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में आ पाऊँगा। मैंने यही सोचा था कि दिमाग में मैं एक माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और ऐसे पिकासो, ऐसे टाइप के कुछ बड़ा आर्टिस्ट बन के कुछ नाम करूँगा, वर्ल्ड में एग्जीबिशन करूँगा, ऐसा ही दिमाग में था। ये तो मेरा सडनली एक नया ट्रैक आ गया। उसके बाद मैं बालाजी में मुझे ले गया, वहाँ पे रवि जी भट्टराई हैं, तो उनके अंकल थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बिठाए, चाय पानी पिलाए, उसके बाद देखा सकल सूरत पूरा अच्छे तरीके से देखा। वो अंकल ने बोला कि बेटा तू इतना अच्छा कॉलेज में पढ़ के तू आर्ट डायरेक्शन क्यों चूज कर रहा है? मैंने बोला अंकल मैं आर्ट डायरेक्शन में 5 साल अभी पढ़ाई किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो आगे जो इन फ्यूचर में जो भी काम करूँगा, मेरे जो किया हुआ पढ़ाई जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में कनेक्ट हो, तो मेरा आर्ट जिंदा रहे, जो पढ़ा मैंने 5 साल जितना मेहनत किया वो मेरे पास रहे। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसा है, आर्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं है, अगर करना चाहते तुम कैमरामैन बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, तुमको किसके साथ काम करना है? वो टाइम में अनुराग बासु थे वो, और बहुत बड़े अनिल वी कुमार, ये सब बड़े बड़े डायरेक्टर कैमरामैन ये सब थे। मगर वो टाइम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे डायरेक्शन करना चाहिए,
तो मुझे आर्ट में ही जाना है, इसके लिए आर्ट डायरेक्शन ही बेटर है, एटलीस्ट आर्ट तो जुड़ा रहेगा, फर्स्ट वर्ड ए आर टी आर्ट। तो मुझे दिमाग में उतना ही था कि मेरा आर्ट जिंदा रहे, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आर्ट डायरेक्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं पहली बार सेट में पहुंचा, कुसुम कुटुम ये सब के सेट लग रहे थे, कसौटी जिंदगी के ये सब चालू था वो टाइम पे। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैं फर्स्ट एंट्री हुआ सेट में, तो इतनी गंदी सी वो लोकेशन था, जो बाहर पूरे कचरे पड़े हैं, पुरानी सी बिल्डिंग जो गिरने वाला सिचुएशन में, और उसके अंदर जब गया, ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था, ऐसा लग रहा था रॉयल हवेली है उसके अंदर। तो मैं एकदम शॉक हो गया, बाहर कुछ है और अंदर कुछ है और है। तो वो देख के मेरे दिमाग में इतना अच्छा इम्प्रेशन बैठ गया, अरे बाप रे, ये मतलब ऐसे सब चीज़ हम लोग को ही बनाना है, मतलब पेंटिंग तो दूसरा चीज़ है, ऐसे घर के डिज़ाइन ये सब डिज़ाइन कंपोजिशन सब हम लोग को करना है एज आर्ट डायरेक्टर। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम रजत पोद्दार को एज ए असिस्टेंट में काम किया उनके साथ, और उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे आगे बढ़ने में, और यहाँ से मेरी जर्नी चालू हुआ एज एन आर्ट डायरेक्टर असिस्टेंट। बालाजी में आपने कितने समय तक काम किया और उसके बाद कहाँ गए? मैंने बालाजी में जब एंट्री किया तो 1.5 साल के करीब मैंने बालाजी में काम किया। 1.5 साल के बाद अनुराग जी का फिल्म चालू हुआ, फिल्म में हमने काम किया, फर्स्ट फिल्म ब्रेक मिला था अनुराग बासु को। उसके बाद वो फिल्म के बाद फिर बाहर के प्रोजेक्ट, वो फिल्म ख़त्म होते होते मेरे बॉस रजत पोद्दार का वहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वो फिल्म के चक्कर में, तो उसके बाद हम लोग बालाजी से आउट हो गए। अगर वो तुषार कपूर का कुछ तो ऐसा कुछ थ्रिलर टाइप का कुछ तो है ऐसा समथिंग कुछ था, तो उसमें से वो जैसे ख़त्म हुआ हम लोग वहाँ से आउट हो गए। फिर हम लोग देश में निकला होगा चांद, फिर हम लोग बाहर के मार्केट में काम करने लगे। तो उसके बाद एज अ आर्ट डायरेक्टर जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो 10 साल 15 साल काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एज आर्ट डायरेक्टर बनते, मैं तो अभी 1.5 साल ही हुआ था, जब 2 साल भी नहीं हुआ था उससे पहले ही मुझे कुछ ब्रेक आ गया, जैसे SJ स्टूडियो है और भी बहुत सारे स्टूडियो, उनका काम आने लगा। उसका काम आने के बाद मैंने काम करना चालू किया, और उसके बाद चैनल वाले ने भी रिफ़र किया कि मुझे आर्ट डायरेक्टर के लिए, तो वो टाइम पे तो मेरे पास कार्ड भी नहीं था। कार्ड नहीं होने के बाद मुझे अभी कार्ड बनाना पड़ रहा था, मगर मैं रिक्वेस्ट किया कि एप्लीकेशन भी दिया कि मेरे को आर्ट डायरेक्टर का कार्ड बना दो, मगर मुझे ये बहुत, मुझे भी बहुत बुरा लगता है ये बोलने के लिए। जब मैं एसोसिएशन में गया तो तू एकदम रूडली, इट्स अ वेरी ऑफेंसिव लैंग्वेज, उन्होंने इतना बुरी तरीके से बोले कि तुम क्यों आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हो, लोग तो यहाँ 15-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, तेरे को कौन काम देगा। मतलब एक कोई भी न्यू कमर के लिए इतना बुरा सॉल्यूट होता था वहाँ पे। तो मैंने बोला सर बुरा नहीं माने तो एक चीज़ है, आज की डेट में गोविंदा और मिथुन भी घर में बैठे हैं, तो ऋतिक रोशन क्यों आ गया? तो उनको भी ये चीज़ बुरा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक दिमाग था, अभी तो मैं ऐसा बात नहीं कर सकता हूँ, मगर वो टाइम में मेरे को बहुत बुरा लगा वो चीज़, इसके लिए मैंने जवाब देना पड़ा। तो उसके लिए फिर उन्होंने मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वो कार्ड बनाने के चक्कर में, फिर मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए आपका कार्ड। फिर मुझे UTB ने रिफ़र किया एज एन आर्ट डायरेक्टर, और वहाँ पे सेट लगाते हुए मुझे पकड़ा गया, वो यूनियन वाले ने पकड़ा, तो उसके बाद मुझे फ़ाइन भर के। अभी देखिए, अगर आपके पास क्वालिटी है, रिफ़र हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, फिल्म में नाम है, आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट है, कॉलेज का वो भी, उसके बाद भी एक न्यू कमर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी एज एन आर्ट डायरेक्टर कार्ड के लिए, और मेरे पास तो 2 साल भी नहीं हुआ था काम किया, लोग 5 साल 10 साल के बाद कार्ड मिलता है, ये मैंने सुना था वहाँ पे। मगर मुझे प्रॉब्लम हुआ, मगर जब मैं वो लोग ने रेड हैंड पकड़ा सेट लगाते वक्त, फिर वो लोग ने फाइन भर के मेरे को कार्ड बना के दिया।
अभी तब से मुझे एज एन आर्ट डायरेक्टर मार्केट में बोलने लगे, तो उससे पहले मैं असिस्टेंट ही था। मेरी फिल्म का कैरियर काबुल एक्सप्रेस से हुआ है, और इसमें सबसे पहला कॉल आया था प्रोडक्शन का, आदित्य जी का फ़ोन आया था, तो उसमें मुझे एक ऐसा ही मिलने के लिए बुलाए थे। तो उसके बाद वहाँ पे गए तो मैं कबीर जी और राजन जी दोनों को मिले वहाँ पे ऑफिस पे, तो वो लोग ने बेसिक स्टोरी नरेशन किए, उसके मुताबिक मुझे कुछ होमवर्क करने दिए कि ये कर पाएगा क्या नहीं। तो उसके बाद मेरा विजुअलाइजेशन पावर कितना है वो चेक करने के लिए दिया था। उसके साथ मेरे ख्याल से दो दिन के बाद मैं फिर से दोबारा मिले उन लोग से, तो मिलने के बाद उनको मेरा काम सब अच्छा लगा, मेरा विजुअलाइजेशन भी अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली स्टोरी नरेशन शॉर्ट में दिया था एक वन लाइन। उस जब उन्होंने फाइनल करने के बाद मुझे पूरा स्क्रिप्ट बंच स्क्रिप्ट दिए, उसके बाद जब मैं वो टाइम पे मैं बहुत बिजी था, 2006-07 के करीब था, तो वो टाइम में बहुत बिजी था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके स्टोरी पढ़ा था, मगर मेरा जो रूम पार्टनर था उन्होंने पूरा स्टोरी पढ़ चुके थे। तो जब स्टोरी पूरा पढ़ने के बाद वो बोले कि अरे भाई ये तो यशराज का फिल्म है, तो मुझे तो मालूम नहीं था ये यशराज का फिल्म है। और वो टाइम में मैं राजन जी को पहली बार मिला था, और हमारे डायरेक्टर सर जो हैं उनको भी पहली बार मिला था, कबीर जी। तो जब ये सब फाइनल हो गया उसके बाद हम लोग काबुल एक्सप्रेस के शूट के लिए गए अफगानिस्तान। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे इतने डेंजर जोन था जहाँ पे वार चल रही थी, हमेशा गोली चलती थी, और वैसे सिचुएशन में भी हम लोग ने शूट किए वहाँ पे। और एक सिनारियो ऐसा था कि वहाँ पे हम आउटडोर शूट कर रहे थे, तो सडनली एक उस तरफ एक बड़ी सी पहाड़ थी और इस तरफ एक जहाँ पे लैंड था वहाँ पे शूट कर रहे थे, वो बीच में खाड़ी था। तो हम लोग जब शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो शूट करते करते सडनली गोली की आवाज़ आई, तो बूम दादा ने बोला कि भाई गोली चल रहा है। तो वो जैसे सुना तो सब लोगों को सोना पड़ा ज़मीन में। तो वो एक सबसे डेंजर और सबसे मतलब चैलेंजिंग हमारे लिए था वो लोकेशन, और हम लोग वहाँ पे सो गए। बाद में फिर आधा घंटे बाद हम लोग वहाँ से मूव आउट हो गए। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे चैलेंजिंग शूट किए वहाँ पे, और जान के बाजी लगा के हम लोग शूट किए। लास्ट में हम लोग वो शूटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग एक ही साथ एक ही नारा बोले, वी आर अलाइव, मतलब इतने गोली बारूद होने के बाद भी हम लोग पूरा शूटिंग कंप्लीट करके हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद मुझे दूसरा फिल्म मिला, दूसरे फिल्म थी विल यू मैरी मी, उसके लिए आइकन प्रोडक्शन का था ये फिल्म, और हम लोग ने दुबई में जाके शूट किए, और इसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे तो बहुत कुछ अच्छा इन्वायरमेंट है, दुबई में तो इतना हीटिंग में भी इतने आउटडोर शूट किए वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने इतना गर्मी मौसम में कभी शूट नहीं किया था। 35-40 डिग्री के करीब में मैंने शूट किया था वो टाइम पे, और वहाँ का टेम्परेचर अलग ही है, बॉम्बे से ज़्यादा ही हीटिंग है। और उधर पूरा शादी के सीन, गाने का सीन, बहुत सारे आउटडोर था, क्योंकि हम लोग जाते हैं आउटडोर शूट के लिए कि आउटडोर में ही शूट हो, तो वो भी एक चैलेंजिंग ही था। और वहाँ पे वर्कर नहीं मिलते थे, वर्कर मिलते थे तो बहुत बजट के बाहर मिलते थे, और वहाँ पे कैसे कैसे करके हम लोग ने वो भी शूट ख़त्म किए, और अच्छा रिलीज भी हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया उसका, यही है। उसके बाद मैंने दिल्ली वैली का काम मिला था मुझे, प्रमोशन का, जिसमें आमिर खान फिल्म के इंड में जो आमिर खान डांस करते हुए एक परफॉर्मेंस है, जिसमें हम लोग ने बहुत बड़ा सा सेट लगाए थे, जिसमें रेट्रो थीम था, जिसमें क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट था, फ्लोरिंग मूवमेंट वाला, तो वो भी हम लोग ने किए थे। इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट से काम किया था, और बहुत इंटरेस्टिंग शूट हुआ था इसमें, जिसमें पुराने टाइप के प्लेन बनाए थे और पूरा रेट्रो थीम था। उसके बाद मैंने एज अ प्रोडक्शन डिज़ाइनर पहली बार कैरियन कुत्तों किया था,
इसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग ने लखनऊ में शूट किए ये पूरी फिल्म और इसका कलर पैलेट से लेके लुक बहुत अच्छा है। अभी उसमें रियल लोकेशन में भी शूट किए जिसमें से बहुत सारे सेटअप वेटअप हम लोग ने किए थे वहाँ के रियल उसमें जोन में। और उसके बाद मैंने किया राम भजन जिंदाबाद, जिसका पहली बार स्टोरी सुनते मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म करना चाहिए और ये फिल्म अवार्ड विनिंग जैसा लग रहा था मुझे। और इसके लिए ये भी हम लोग ने लखनऊ में ही शूट किया। अभी बहुत दिन के बाद बंद थी, अभी जस्ट रिलीज हुआ है तो स्टोरी बहुत अच्छा है और थोड़ा सा कॉमेडी भी है और इमोशनल भी है, तो ये भी बहुत अच्छी मूवी है मेरे लिए। और उसके बाद हम लोग ने लास्ट में ये आके लूडो किया, अभी फिलहाल अनुराग बासु जी का ये लूडो है। या टेल मी अबाउट लूडो। लूडो मेरा ये सबसे लेटेस्ट में लास्ट वाला यही प्रोजेक्ट किया मैंने, जिसमें डायरेक्टर है अनुराग बासु जी। और ये फिल्म में लगभग 99% सेट ही है, जिसमें से शायद 1% बार आउटडोर में किए थे भोपाल में, बाकी चीज़ सब यहीं पे शूट किया बॉम्बे में, स्पेशली चांदीवली और फिल्म सिटी है। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चांदीवली है, फिल्म सिटी है। जो हम लोग रेगुलर जहाँ पे भी शूट करते हैं, जैसे फिल्म सिटी टेम्पल है और फिल्म सिटी ऊपर गार्डन है, सब वहीं पे शूट किए। अभी अभी पूरे सेट में जैसे चांदीवली है, चांदीवली में हमने पंकज त्रिपाठी जी का जो डेन बनाया है, अभी वो डेन हमने स्विमिंग पूल के बीच में बनाए थे, जिसमें कोई भी पकड़ नहीं पाया अभी तक। अभी बहुत जन ने मेरे को पूछे कि भाई ये डेन कहाँ का है, कहाँ पे ब्लास्ट किया, ये कहाँ बना है। तो जब मैंने बोला कि वो पीछे जो स्विमिंग पूल है जहाँ पे मच्छी अभी पाले हैं वो लोग ने, तो गंदी सी एक स्विमिंग पूल है उसी के ऊपर हमने वो सेट खड़ा किया, जिसमें पानी दिखता है, पानी के साइड के जो एजेज है स्विमिंग पूल के, वो एज पे ही हम लोग ने सेट को स्प्रिंग में लगा के जो पानी वाला जो फील है हल्का सा, जैसे आर्टिस्ट चलते हैं तो हल्का सा पानी वाला फील आता है, सेक होता है ग्राउंड, तो ये वाला टेक्निकली हम लोग ने वहाँ पे सेट किया था, जिसमें पूरी एटमॉस्फेयर को हमने ऐसी तरीके से प्लेसमेंट किया कि कोई एंगल से वो स्विमिंग पूल चांदीवली का नहीं लगता। अभी ये लूडो में जितने भी हमने सेट जो लगा है, इसमें 99% तो सेट ही है, जिसमें से अभी ज़्यादा करके फिल्म सिटी और ये चांदीवली में किए हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि हमने वहीं के स्ट्रक्चर को एटलीस्ट 5-10% यूज़ करके हमने अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें से कोई भी ऐसा पकड़ नहीं पाया कि ये चांदीवली है या फिल्म सिटी है। अभी जैसे मंदिर है, फिल्म सिटी के मंदिर के अंदर हमने जो स्वीट रूम, होटल का सबसे बड़ा महंगा वाला रूम, स्वीट रूम हमने बनाया, जिसको वो जहाँ पे मंदिर रखते हैं हमने वहाँ पे तिजोरी रखा था, और उसके जो नीचे प्लेटफॉर्म से नीचे आते हैं उसमें हमने बेडरूम बनाए थे। मतलब हम जो भी सोच रहे हैं वो सोचने का तरीका ही टोटली अलग जगह से चालू होती है, और जिसकी वजह से हमने जितने भी ऐसे आउटपुट पाए ना, अगर हम लोग एक बेसिक नॉर्मल फ्लोर में बनाए थे तो वो सब इंटरेस्टिंग अप एंड डाउन, वो अलग अलग टाइप के जो एलिवेशन फॉर्म डिज़ाइन वो नहीं मिलता, एक दिमाग एक कॉपी जैसा हो जाता है। मगर वहीं के स्ट्रक्चर को हम, मंदिर को हमने 5-star होटल में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाते जो इंटरेस्टिंग, जिसमें से ऐसा लगता है वाह क्या एक इंटरेस्टिंग फॉर्म, एक फ्रेम मिल रहा है उसके अंदर। तो ऐसे टाइप के एलिवेशन बहुत सारे जगह पे हम लोग ने क्रिएट किया है, जैसे स्वीट रूम है, होटल बनाए, पैराडाइज होटल है, और कितनी जगह पे तो ऐसी होती है हमारे पेंटर कारपेंटर ये सब जो काम करते हैं, स्पेशली जब फाइनल आउटपुट के टाइम में जब ये
एजिंग ये सब टेक्सचरिंग जब आती है तब मुझे कितने सारे प्रोफेशनल जो हेड पेंटर होने के बाद भी मुझे वो लोग का थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा फील होता है, तो मैं खुद ही भिड़ जाता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एज अ आर्ट डायरेक्टर हूँ, प्रोडक्शन डिजाइनर हूँ, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं बड़ा आदमी हूँ। मैं एज अ वर्कर की तरह, एज अ पेंटर की तरह मैं उनके साथ ही भिड़ जाता हूँ जब तक मुझे वो रिजल्ट और वो टेक्सचर वो कलर पैलेट नहीं मिलता। और इसके लिए वो लोग पेंटर लोग भी मेरे से थोड़ा सा काम करने से पहले पूछ लेते, दादा आप थोड़ा करके दिखा दो। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं मजाक तो नहीं कर रहा है। ये सब चलती रहती है सेट में। और अच्छी बात है क्योंकि अगर कोई हेड पेंटर अगर कुछ हो गया तो मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं भी कुछ वो लोग को हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेरा है। और मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने खुद के हाथों से टेक्सचरिंग किया है, जैसे राजकुमार राव के जो ढाबा है उसमें मैंने खुद ने टेक्सचरिंग किया, होटल में खुद ने टेक्सचरिंग किया, बहुत जगह पे मैंने खुद के हाथों से टेक्सचरिंग किया है। कुछ ऐसा काम फिल्मों में जो आप करना चाहते हैं? एक्चुअली फिल्म में मुझे ऐसा काम करना है जो अभी तक किसी ने किया ना। देखिए हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जो देखते हैं, जैसे कोई भी फॉर्म डिज़ाइन ये तो सब करते हैं, ये तो कॉपी है। हम जितने भी काम कर रहे हैं उसको हम कॉपी मास्टर तरीके से चीटिंग करते हैं कि ये सेट ना लगे। मगर अभी तक हम लोग जो भी कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स बहुत कम लोग काम करते हैं। तो मुझे वो चीज़ काम करना है जो अभी तक किसी ने देखा नहीं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे, एकदम छोटी सी, जहाँ से मैंने एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के मैंने काम किया, जो इरफान खान का मानो या ना मानो। मुझे सिद्धार्थ जी ने कॉल करके बुलाया कि ऐसा ऐसा है प्रोग्राम, तो उसके लिए मेरे को सेट डिजाइन करना है। जो वो टाइम में मुझे बेसिक स्टोरी समझाया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे एक ही दिन में उनके लिए मैंने एक सेटअप रेडी किया था, लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे के अंदर, जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को कटिंग करके एजिंग करके मैंने ब्लैक कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था। और उस टाइम पे डीओपी सर ने बहुत अच्छा राइटिंग किया था और वो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा आउटपुट निकला ना, जो एंकर में वन ऑफ द अच्छा रिस्पॉन्स मिला चैनल से भी और ये सब चीज़ें। और वो ऐसा कोई ज़्यादा सोच के कुछ ऐसा नहीं किया था, एकदम सिंपलिसिटी और एक यूनिक बनता डिस्टिंगस टाइप एक फॉर्म एंड डिज़ाइन होने की वजह से बहुत एप्रिशिएशन मिला था। तो मैं चाहता हूँ कि बजट तो अपनी जगह पे है ही, मगर बजट के साथ साथ ऐसी काम करें जो अभी तक किसी ने किया। जो हमेशा हम लोग अभी कहीं भी चैनल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमारे पास टैलेंट भरे हुए हैं, मगर वो क्यों हॉलीवुड के रेफरेंस देते हैं हमको? हमको क्यों दूसरे काम का रेफरेंस देते जो दूसरे आर्ट डायरेक्टर ने किया हुआ? वो लोग क्यों नहीं चाहते कि पहले तुम्हारे दिमाग में क्या है वो उतारो, तुमने क्या सोचा है? वो पहले ही दिमाग को कन्वर्ट कर देते हमने ये सोचा है, तो फिर हम लोग को तो फॉलो करना रहेगा। और ये ट्रेंड को हटा के एक बार प्रोडक्शन डिजाइनर या आर्ट डायरेक्टर को एक बार विजुअल करने देना चाहिए कि आर्ट डायरेक्टर क्या करना चाहते हैं, उसके दिमाग में क्या है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ अच्छा करेगा, तभी हमारा इंडस्ट्री और हॉलीवुड के लेवल में हम लोग लाएंगे आगे। एक यूनिक कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्शन टाइप के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तभी हमारा कुछ रेफरेंस हॉलीवुड में भी वो लोग कॉपी करेंगे। ये मेरा वर्क स्टूडियो है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मेरे पास आता है तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट ये टेबल में आता है, जिसमें से यहाँ पे रिसर्च का काम चालू होता है। इसमें मेरे लाइब्रेरी है, यहाँ पे वहाँ पे और बहुत सारे लाइब्रेरी बुक्स बाहर पड़े हैं, सीडी पड़े हैं। और यहाँ पे ये कुछ पेंटिंग है जो मेरे दोस्त के हैं, जो लंदन के स्कूल में पढ़ाई करके वहीं पे वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये अक्टूबर गैलरी में ये सब पेंटिंग उन्होंने एग्जीबिशन किया था। ये मेरा पेंटिंग है।
और ये मेरा फेवरेट सिंगर भी है जॉन लेनन। और उसके बाद यहाँ पे ये भी मेरा पेंटिंग है, और ये स्पेशली ये एक स्टूडियो है जहाँ पे मैं पेंटिंग भी करता हूँ, और ये आर्ट वर्क यहीं पे जितना भी नया क्रिएशन करना है ये टेबल उसी के लिए है। और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो घर में यही टेबल में मेरा स्पेंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहीं से मेरा कुछ नया क्रिएशन का बिल्डअप यहीं से होता है।